अगर मैं आपसे कहूं कि आज से आलू सोया मेथी की सब्जी बनाना आपको बिल्कुल भी झंझट नहीं लगेगा तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन आपको यकीन करना ही होगा क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसमें सब्जी तो बहुत ही टेस्टी बनेगी ही बनेगी, साथ में आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और स्वाद ऐसा होगा कि बच्चे बड़े या जो सब्जी नहीं भी खाते हैं वो मांग मांग कर खाएंगे। इसे आप पूड़ी पराठा या फिर दाल चावल किसी के भी साथ खाइए, स्वाद इसका लाजवाब होगा। तो बस वीडियो को शुरू करते हैं, देखिए वीडियो एंड तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि, मेरे चैनल होप विद निधि में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूं फिर से एक नई इंटरेस्टिंग रेसिपी। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा और हाँ, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब हम आलू सोया मेथी की सब्जी बना रहे हैं तो हमें सबसे पहले सोया मेथी चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ देखिए, सोया मेथी को हम इस तरीके से तोड़ेंगे, यानी कि जहाँ से इसके डंठल सॉफ्ट होते हैं या फिर एक आपको ज्वाइंट जैसा दिखेगा वहीं से हमें इसे इस तरीके से तोड़ लेना है। फ्रेंड्स, कुछ लोग इस तरीके से मेथी जब बिना तोड़ी हुई होती है तभी इसे वॉश कर लेते हैं, उसका रीज़न है, एक तो ये वॉश करने में इजी रहता है, तो दूसरी बात ये है कि इसके जो भी इसके प्रोटीन विटामिन जो भी सब्जी में होते हैं वो सारे वेस्ट नहीं होते हैं। तो वहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, मेथी को इस तरीके से तोड़ के रख दिया है और ये है सोया। तो फ्रेंड्स, ये देखिए सोया को हम क्या करेंगे, सोया हमें बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो बस हम इस तरीके से थोड़ा सा जड़ के पास से छोड़ के और बस इसे हम कट कर देंगे। इसके जो डंठल है वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ये आसानी से गल जाते हैं, तो बस हमें इस तरीके से सोया को कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, सोया भी लोग पहले ही धुल लेते हैं, ये चॉइस आपके हिसाब से है। तो देखिए मेथी को हमें कैसे कट करना है, जैसे मेथी हमने तोड़ के रखी उसी तरीके से हम उठा के और इस तरीके से मुट्ठी में ऐसे पकड़ के और इसे कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान है, आप इस तरीके से मेथी को कट कर सकते हैं। आगे वीडियो में मैं वॉश करने का तरीका बताऊंगी कि कैसे इसे आप आसानी से वॉश कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सोया और मेथी हमने कट कर लिया है, यहाँ पे आलू भी हमने कट करके पानी में ही रखे हैं जिससे कि काले ना पड़े। तो आलू हमें कैसे कट करने हैं, देखिए हमने टुकड़े बड़े बड़े रखा है, यहाँ मेरे हाथ में दो, एक छोटा और एक बड़ा आलू है। बड़े आलू के हमें चार टुकड़े करने हैं और अगर ऐसा आलू है तो हम इसे दो टुकड़े करेंगे। फ्रेंड्स, ये पुराना आलू है, जल्दी गल जाता है, इसलिए इसके बड़े बड़े टुकड़े करने हैं। अगर नया आलू है तो और भी छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। तो यहाँ पे अब हम चलिए वॉश करते हैं पहले सोया। तो देखिए हमने एक बड़े से बाउल में पानी लिया है, उसमें सोया को ऐसे कर करके ये देखिए इस तरीके से, और ये बहुत ही आसानी से वॉश हो जाता है, लोगों को झंझट लगता है तो मैं बता रही हूँ आगे क्या करना है। तो बस ऐसे हमने दो बार जितना आसानी से आ सकता है लिया ऐसे और अलग रख लिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पानी में बचा हुआ सोया है बहुत ही बारीक होता है तो हम एक छन्नी की सहायता से इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कितना आसान तरीका है, तो दोबारा भी हम इसे वॉश कर लेंगे। अगर आपने पहले ही वॉश कर लिया है तो या तो एक बारी खाली वॉश करें या तो फिर आप ना भी वॉश करें तो भी चलेगा, लेकिन हाँ पहले हमें अच्छे से वॉश करना है क्योंकि इसमें धूल मिट्टी बहुत होती है। और आलू को, सोया मेथी को हमने वॉश करके रख लिया है। गैस ऑन करके हमने रखी है कढ़ाई और उसमें हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। तो फ्रेंड्स, ये सब्जी वैसे तो आप लोहे की कढ़ाई में बनाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं बना पा रहे हैं तो फिर आप क्या करें, कोई भी कढ़ाई लें और उसमें फिर हमने ऐड किया सरसों का तेल। तो यहाँ पर हमने सरसों का तेल ऐड किया है क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये हमने लिया हुआ है बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च जितनी तीखी हो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लें। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम उसमें ऐड कर देंगे लहसुन और उसके बाद बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो फ्रेंड्स, इन्हें हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे क्योंकि जब इसमें सब्जी पड़ जाएगी तो पत्ते रहते हैं, उसमें पानी रहता है, तो फिर ये ज़्यादा पकेगा नहीं। तो इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें सब्जी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने सोया ऐड किया है, मेथी ऐड किया है और इसे हम तुरंत पलट देंगे जिससे कि ये जो लहसुन और मिर्च है ये सब जगह मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, कुछ लोग पहले आलू ऐड करते हैं तो ये चॉइस आपके हिसाब से है, मैं वैसे भी बनाती हूँ और इस तरीके से भी बनाती हूँ, सबका एक अलग स्वाद होता है। तो अब हमने आलू भी मिक्स करके और अच्छे से चला दिया है और उसके बाद अब मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करूँगी। हमें ध्यान रखना है कि अभी जब ये पकेगी सब्जी तो बहुत कम हो जाएगी, तो नमक आप ज़्यादा बिल्कुल भी मत होने
पकने दें और अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप देखिए इसमें नीचे पानी है, अभी ये पकेगी तो फिर ये सारा पानी सूख जाएगा। तो अब हम इसे ढक के और पकाएंगे 10 से 12 मिनट तक। पहले गैस की फ्लेम हम थोड़ी देर मीडियम रखेंगे, ये देखिए। और थोड़ी देर बाद अगर आपको लगे कि हाँ यहाँ पे लग रही है सब्जी, तो आप गैस की फ्लेम लो कर दें। वैसे ये मीडियम फ्लेम में ही अच्छे से पक जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आलू पक चुके हैं, बस आप चेक कर लें आलू में 5 से 10% की कसर रह जाए, यानी कि 5 से 10% आलू कच्चे रह जाए, तब हम उसका ढक्कन हटा के और इसे उलट पलट के फ्राई कर लेंगे। यानी कि ये सब्जी अच्छे से फ्राई हो जाती है तो बहुत अच्छी लगती है। इसमें अगर ज़रा भी पानी रहा यानी कि मॉइस्चर रहा तो फीकापन लगेगा। तो बस अब हमें गैस की फ्लेम हाई कर देनी है और इसे उलट पलट के अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही फ्राई पसंद की जाती है, लेकिन आपके यहाँ जैसी पसंद की जाती है उस हिसाब से आप फ्राई करें। तो बस ये देखिए सब्जी फ्राई हो चुकी है और ये हमारी सब्जी बनके तैयार है। आप चाहें तो इसमें मटर भी ऐड करके तब पकाएं तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा। तो आप देखिए अच्छे से सोया मेथी फ्राई हो चुका है, आलू पक चुके हैं और आप देखिए कमाल की सब्जी लग रही है। इसे आप पूड़ी पराठा किसी के भी साथ खाएं, स्वाद इसका बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये लीजिए हमारी आलू सोया मेथी की गर्मा गर्म सब्जी बनके तैयार है। इसे आप पूरी पराठे के साथ एंजॉय कीजिए, स्वाद का इसका जवाब नहीं। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, खूब 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 सारा शेयर कीजिए और हाँ चैनल पर नया है तो बेल के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी ने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।